नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया हुआ है सैमसंग का सैमसंग B110 मॉडल फ्रेंड्स। तो इसमें जो है कीपैड का प्रॉब्लम है, मेरा स्टार बटन काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं सैमसंग B110 मॉडल है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपका कोई भी बटन ख़राब है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 *0 H कुछ भी ख़राब है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स। और इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स आपका कोई भी बटन यहां पे आप रिपेयर कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको किस तरीका से ट्रेसिंग करना है और किस तरीका से इसको रिपेयर करना है सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। बिना समय गंवाएं इसको हम यहां पर पहले ही खोल दिए हैं फ्रेंड्स, और इसको जो है हम सबसे पहले ऑन करके आपको दिखा देते हैं। अभी तो मेरा जितना बटन है ये सब काम कर रहा है, सिर्फ स्टार बटन नहीं काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो आपका जीरो हो सकता है, जीरो ना काम करो, हच ना काम करो, या सेवन ना काम करो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं। जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 H 0 और यहाँ देखिए स्टार मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस बोर्ड पता को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, और मल्टीमीटर आपके पास है तो मल्टीमीटर को सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप। और आप बोर्ड में यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कार्बन जमा हो तो कार्बन को क्लीन करके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर भी अगर आपका बटन काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसको चेक कैसे करना है फ्रेंड्स। तो इसके लिए रेड प्रॉब को यहाँ पे ग्राउंड करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए साइड, ये देखिए साइड वाला में यहाँ पे कुछ वैल्यू शो कर रहा है, 250 से 600 के बीच में कुछ वैल्यू आना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं। और इस वाले पे कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। वहीं इस बटन को चेक करके देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये इसमें आ रहा है और ये साइड मलावे में भी आ रहा है, मतलब ये बटन सब जितना भी है ओके है। और यहाँ प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि किस टाइप का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इसमें रीडिंग नहीं आ रहा है, इसके वजह से ये बटन मेरा काम नहीं कर रहा है। तो इस बटन को रिपेयर करने के लिए फ्रेंड्स आपको जो है इसका डायग्राम पता होना चाहिए कि कौन बटन का डायग्राम ये यहाँ से कहाँ जाता है, या और इसका साइड वाला बटन का कहाँ से ट्रैक आता है। तो मैं आपको इसका ट्रैक बता देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपका कोई भी बटन हो वहाँ से जम्पर मार करके आप बड़े ही आसानी से इस फोन को रिपेयर कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स एक मार्कर की सहायता से मैं आपको इस बोर्ड पे ही समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका जो साइड वाला बटन है फ्रेंड्स, ये बीच वाला छोड़ करके माइनस वाला जो बटन है ये, इसका इस तरीका से, इसका इस तरीका से, इसका इस तरीका से, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं जितना यहाँ यहाँ से नीचे का हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका इसका बाहर वाला जो सिरा है ये इस तरीका से बाहर बाहर जुड़ा हुआ है, जो मार्कर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो है देख सकते हैं ये अंदर वाला जो प्लस का पॉइंट है फ्रेंड्स, प्लस वाला हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्लस से ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये एक लाइन में जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तीनों चारों जो है एक लाइन में, ये चारों एक लाइन, ये चारों एक लाइन में जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स अंदर से। अगर इस बीच में कहीं पे इस ये लाइन ब्रेक हो जाए या टूट जाए फ्रेंड्स, तो ये बटन मेरा काम नहीं करेगा, या इस बीच में कहीं टूट जाए तो ये बटन मेरा काम नहीं करेगा। तो जिस तरीका से ये चारों अंदर से एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है, इस तरह ये भी है और ये भी है, यहाँ से चारों बटन एक लाइन में जुड़ा हुआ है। तो हम चेक करेंगे फ्रेंड्स कि इसका जो है बाहरी वाला लाइन इसमें जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ बाहर वाला का बताए थे तो कंटिन्यूटी दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैक मेरा ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी इसका ट्रैक ठीक है, यानी कि स्टार बटन का जो है बाहरी वाला सिरा का ट्रैक है मेरा ओके है। अब हम बताएं कि यहाँ पर जो है आपको दिखा देते हैं, फिर इसका जो है प्लस वाला पॉइंट, इसका प्लस और इसका प्लस एक होना चाहिए, यानी कि चारों का एक लाइन में इस तरीका से अंदर वाला पॉइंट जुड़ा होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं फ्रेंड्स,
यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ये आ रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है उसमें। और यहाँ देख सकते हैं इस लाइन में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यानी ये चारों लाइन जो है एक लाइन में जुड़ा हुआ है। और इसमें देखिए यहाँ से कहाँ कहाँ तक आ रहा है मेरा, ये प्लस वाला पॉइंट से इसमें तो आ रहा है, इसमें तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई इसमें जो है मेरा कटा हुआ है, इसके वजह से ये बटन मेरा काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए फ्रेंड्स, और इसका इस तरीका से चेकिंग करके आप अपना रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम फिलहाल क्लीन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम चिमटी की मदद से देखते हैं कि मेरा बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको हम फिलहाल क्लीन कर दिए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ देख सकते हैं, और इसका जम्फर कहाँ से कहाँ तक मारना है सारा कुछ मैं आपको दिखा दूंगा फ्रेंड्स, तो आपका बटन रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं दोबारा से। ये इतना बताने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि आपका हो सकता है जीरो, स्टार, हर्ट या कोई भी बटन खराब हो, तो ये चीज़ आपको अगर पता रहेगा तो आप कोई भी बटन आराम से रिपेयर कर पाएंगे फ्रेंड्स। नहीं तो सिर्फ स्टार का भी हम बता सकते हैं और बता सकते थे फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, मेरा स्टार नहीं काम कर रहा है, तो इसका ये लाइन कटा हुआ है इस बीच से। अगर इसको हम यहाँ पे, ये लाइन हो गया इसका बाहरी वाला, और इसका सेवन का अंदर वाला अगर टच करते हैं तो मेरा स्टार काम करने लगेगा। इसको दबा करके रखना पड़ेगा स्टार को। देखिए अनलॉक हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए स्टार हम टिप करके देखते हैं, इसका बाहरी वाला और इसका अंदर वाला, क्योंकि ये अंदर वाला और ये अंदर वाला एक ही है, तो यहाँ बीच से टूटा हुआ है, इसलिए इसका बाहर वाला लेना है और इसका अंदर वाला लेना है। देखिए स्टार काम किया फ्रेंड्स, फिर से देखिए। तो अब यहाँ पे स्थिति ये है कि फ्रेंड्स आप इसको जम्फर कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो आपको जम्फर करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक टूटा हुआ है, तो सिंपल सा जम्फर यहाँ से उठाइए, यहाँ डाल दीजिए, तो आपका बटन रिपेयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो ये तो इसमें तो सोल्डिंग होगा ही होगा, और इसमें भी सोल्डिंग करना पड़ेगा, तो हो सकता है बटन टिपने में थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आप अपने हिसाब से देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको सुविधा अगर यहाँ से यहाँ तक मारना है तो आप यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए, तो आपका बटन रिपेयर हो जाएगा। और नहीं मार सकते हैं यहाँ इसमें, तो यहाँ से एक जम्फर उठाइए फ्रेंड्स, और इस बोर्ड को पलट लीजिए, और पलटने के बाद फ्रेंड्स यहाँ दिखा देते हैं, ये देखिए इस बीच वाला से यहाँ से जम्फर उठाना है फ्रेंड्स, और इसको यहाँ देखिए नेटवर्क एंटीना यहाँ पे जो है इसके बगल में या जस्ट नीचे यहाँ देखिए दो कंपोनेंट लगा हुआ है फ्रेंड्स, उसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला में, इस साइड में नीचे वाले सिरे में आपको यहाँ जम्फर लगाना है, यहाँ से ले करके, क्योंकि इसका लाइन जो है ये अंदर वाला लाइन का ये जो है ट्रैक यहीं से आता है। देख लीजिए ये दो कंपोनेंट लगा हुआ है फ्रेंड्स इसके, इस साइड के नीचे वाला पॉइंट से, तो हम यहीं पे जम्फर लगाएंगे, और यहाँ से जम्फर उठा करके एक जम्फर यहाँ पे डाल देंगे फ्रेंड्स, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से इसका जम्फर हम कर लेते हैं, और हम आपको चेक करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा जम्फर जो है कंप्लीट हो चुका है, ये स्टार बटन में मैंने इस जम्फर को लगा दिया है, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स इस वाले कंपोनेंट में यहाँ पीछे मार दिया जम्फर, ये जम्फर उठा करके इधर लग गया, और इस साइड से साइड साइड में थोड़ा थोड़ा रंगा इसलिए लगाए हैं फ्रेंड्स, ताकि ये ऊपर वाला ये बीच वाला पॉइंट जो है ये ऊपर हो जाता तो मेरा बटन काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए साइड साइड से ये रंगा हमको देना पड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको अब चेक करवा देते हैं कि मेरा बटन सही हुआ या नहीं हुआ। और फ्रेंड्स आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि इसी तरह का देसी टेक्निकल वीडियो आपके लिए मैं हमेशा लाता रहूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा आने में लेट हो गया फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं, देखिए स्टार बटन मेरा काम करने लगा,
ये 70 हर्ज, यानी सारा बटन अब मेरा ओके हो चुका है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।